कुदा है तू अफसरा ने। अगर ना सूत बैठ गया सर मजीद आपने गजब की बात बताऊं। अब लिखा सेवादार हूँ, सुनाओ सुनो तो मैं चल दे रहे हैं। अपनी किसी से दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तो है अन्याय के खिलाफ। सारे हरियाणा में डॉक्टर की कमी, सारे हरियाणा में स्कूलों में मास्टर की कमी, सारे कर्मचारियों की कमी, और फौज में सिपाहियों की कमी, और अग्निवीर करे से। मेरे को पागल कहने वाले आदमी अपने आप ही बोले मान पागल नहीं था, मान सही था, और आज भी मैं सही हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल मैं भिवानी के भीम स्टेडियम के आसपास खड़ा हूं, और आपको बता दूं कि जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ भिवानी और इस फौजी की उम्र है 70 साल, और 70 साल की उम्र में लोग रजाई में कम कपा रहे हैं, अपने घर में बेड पर लेटे हुए बाहर निकलने का मौसम नहीं है, लेकिन वो निकला है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सरकार में भी पूरा उनका हिस्सा है, प्रदेश महासचिव हैं जजपा के, वो दिग्विजय सिंह चौटाला, उसके साथ उसका पोस्टर लगाया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ईश्वर मान है, फिलहाल सामने आपको दिख रहे होंगे ये छतरी और ये पहने हुए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्दी भरी सर्दी के बीच में हाल ये हैं, और अधिकारी आ और जा रहे हैं, लेकिन फौजी साहब यहाँ पे बैठे हैं। 70 साल की उम्र में घर से आदमी मुश्किल से टॉयलेट तक नहीं जा सकता। अच्छा, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। 3 साल कम है भाई, क्या कहेंगे? फिलहाल क्यों बैठ गए यहाँ पे, क्यों धरना प्रदर्शन कर दिया? घर से नहीं निकला जाता, बेड से नहीं निकला जाता लोगों? मैं शर्मा जी यहाँ से गुजर रहा था मैं कल शाम को, तो मैंने देखा ये रोड के ऊपर रोडी बजरी डाल रखी है, ये घटिया किस्म की डाल रखी है। अच्छा, तो मेरे से देखा नहीं रहा जाता, ये ऐसा जो माल है जो सरकार पैसा देती है, लेकिन इसमें ऐसा क्यों करते हैं ठेकेदार या जेई जो भी है जो अड़बाज कर रहे हैं, वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो गांव के सरपंच से लेकर आप पार्षद तक रह लिए, नगर पार्षद, जिला पार्षद, सब कुछ आपने देखा है, सरपंच और ये सारे काम करवाते तो हैं, कार्रवाई तो आपने देखी होगी। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता जो यो ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? यह बिल्कुल गदर हो रहा है, आप देख लो शर्मा जी, क्या कुछ है, मिलावट है, कंक्रीट मिट्टी है, आप देख लो। चलूं मैं एक बार दिखा देता हूं भाई। फिलहाल ये फौजी साहब हैं और उम्र इनकी लगभग 70 साल के आसपास है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 70 में बुढ़ा हो जाता है। फिलहाल 67 साल है फिलहाल, और आप देख सकते हैं ये। अच्छा, मिट्टी नहीं हो तो देख लो आप, या मिट्टी नहीं हो तो बताओ क्यों, बताओ मिट्टी है? हाँ जी, मिट्टी दिखने लग रही भैया, हम तो यही काम करते हैं, हम मिट्टी दिखने लग रही। अच्छा, और क्या, और क्या? तो फिलहाल ये बैठे हैं यहाँ धरने पे, ठीक बैठे हैं? ठीक बैठे हैं, गलत काम तो गलत ही होगा, सरकार ने खुद सोचना चाहिए यार। तो फिलहाल क्या कहोगे इनके विरोध धरना प्रदर्शन पर बैठ के? कोई आया ये कहा था, मैं एक्शन साहब के, एससी साहब के पास गया था, मैं ओडीसी साहब के पास भी, सीटीएम साहब के पास भी, एडीसी के पास भी गया मैं, तो मैंने ये कहा भाई ऐसा मार नहीं है ये, तो या तो उसको उठाओ या इसके सैंपल भरो। तो ही वो ठेकेदार ने जेई और एसडीओ आए थे मेरे पास, वो बोले मान साहब इसको उठा लेते हैं हमें और दूसरा ले आएंगे। हाँ, दूसरा लगा दो, माल बढ़िया लगा दो। अच्छा, हमने दुश्मनी थोड़ी किसी से, दुश्मनी तो नहीं है कि विधायक या किसी पार्षद या किसी और के साथ हो आपका? आपने किसी से दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तो है अन्याय के खिलाफ। जो अन्याय होगा ना कहीं भी किसी भी फील्ड में होगा, हम उसके खिलाफ हैं। पीछे भी आप पार्षद थे, नगर पार्षद, बुलडोजर के आगे लेट जाया करते आप रोड पर, आज भी लेट जाऊंगा मैं, लेटने क्या है, मैं अभी लेट जाऊंगा मैं। कोई आपको मूर्ख कह दिया करता, कोई कुछ? हाँ, मगर वो तो देखो ना, कितने करोड़ रुपये मिले आपने देखा ना, कितने करोड़ रुपए का घपला मिला, मैं लौटा करता थे, वो तो सच्चाई थी ना वो बात है, आके खुल के आई ने। मेरे को पागल कहने वाले आदमी अपने आप ही बोले मान पागल नहीं था, मान सही था, और आज भी मैं सही हूँ। मैं नाजायज बात को सहन नहीं कर सकता, चाहे मैंने को पागल कही हो और चाहे कोई अच्छा कही हो, मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन इतने दिन कहाँ गायब थे आप शहर में? तो लगभग नगर परिषद के बाद आप कहीं गायब? मैं गायब को मैं तो अपना अस्पताल का जो उसमें गलत तो जो करिश्मा आया उसके लिए उठाई आवाज, मैंने नहीं उठाई। अच्छा, हाँ, लोग कह देंगे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए आप रोडों पे? नहीं, 12 मास चुनाव रहता अपना, तो चुनाव की बात नहीं है इसमें, इसमें तो पब्लिक का, जनता का, ये तो कहते हैं तो 2047 का विकसित भारत है, अरे 2024 का है दाम सर को नहीं, 2047 तो बहुत आगा होगा। आप बीजेपी की बुराई कर रहे हो, जो कि हिस्सा है, आप भी जेजेपी का हिस्सा है, आप जेजेपी के पदाधिकारी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं इसमें घपला में हिस्सा नहीं है मेरा। पार्टी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? पार्टी वाले नाराज कौन ही हो मेरे से, मैं जायज बात उठाता हूँ। अच्छा, हाँ,
पार्टी वाले नाराज कौन? इसके लिए दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय को, अजय चौटाला को भी कहते हैं। कोई बात को नहीं, मैं जायज बात जनता की आवाज उठाता हूँ मैं, ठीक है ना। अपने नेताओं तक अफसर सुनते नहीं है, ये मतलब जो अफसर हैं जो बैठे हैं जो सुनते नहीं है। अगर आप सर सुन लेते मेरे 2000 में पिछले 15 में, तो मैं ऐसे थोड़ा होता ये काम। उस टाइम पे आपने देखा होगा, मैं इस्तीफा दिया था 15/2/2021 को, एडीसी को इस्तीफा दिया था। मैं ये बैंक वाले अलबाद कर रहे हैं, जिस बैंक में 7% मिलता है उस बैंक से पैसे करोड़ों करोड़ रुपए निकाल करके और मरे हुए के खाते खुला कर वहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए को नहीं, बाद में एक साल के बाद में वही बात सामने आई, मरे हुए खाते मिले, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ चेक भेज दिए, करोड़ों रुपये करोड़ों रुपये, पता नहीं कहाँ से पैसे भी कहाँ से। कह सकते हैं भाई शहर में कुछ भी गलत होगा तो बात करो, ईश्वर मानुष के खिलाफ खड़ा होगा। हाँ, क्योंकि आपने देखा नहीं है अभी तक। मैं तो इतने बार इस्तीफे दिए हैं, बार बार पार्षद से भी दिया है मैंने, मेरे पार्टी का पदाधिकारी था उससे भी दिए। मैं तो बार बार, मैं तो चावला साहब को गोली मारी उसको भी मैंने इस्तीफा दिया था, नहीं दिया हो तो बता दिए। किसी पार्षद ने दिया हो, किसी MLA ने दिया हो, मैं जिला पार्षद था जब चावला साहब को गोलियों से उड़ाया था, मैं उस टाइम पर पार्षद था, जिला पार्षद है, मेरे के राड़ी थी नगर पार्षद है। हमने दोनों को डीसी साहब को इस्तीफा दे दिया था, डीसी साहब ये मतलब हमारा पार्षद चेयरमैन जो हमारा है इसको मतलब शाम तक इसके जो हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने इस्तीफा दिया। आंगनबाड़ी वाली यहाँ बैठी रही, डीसी के दफ्तर के आ गए, मतलब हजारों हजारों, किसी ने इस्तीफा दिया, मैंने इस्तीफा दिया। आप बोल रहे हो तो आप तो चुनाव पाओ, मैं तो 12 मार्च से चुनाव लड़ता हूँ, मैं पब्लिक का सेवादार हूँ, चुनाव चुनौतन में चल दे रहे हैं। लेकिन लोग तो आरोप लगाते हैं पार्टियों वाले, कोई पागल कह देता, कोई चुनावी मंडप, आरोप लगाने वाले भीतर भी तो गए जेल में, कौन गए गए आरोप लगाने वाले, आरोप लगाने वाले जेल में कौन गए गए बताओ आप अपने मुंह से, सही बात है। गए नहीं, फिर पागल कहने वाले कहते रहे लेकिन मैं यू कूड़ा कौन लागण दू, यू कूड़ा कौन ही लागण दू, यू कूड़ा कौन लागण दू मैं, अरे उठान ला रहे वो देखो, वो देखो उठान लगा भाई। अच्छा आप लग रहा, हाँ आपका पता लगता ही धरना। हाँ, जेई उड्डा साहब है और SDO साहब मेरे पास आए थे तो वो ट्रैक्टर लाग रहा, कूड़ा कौन लागण दू मैं, वोट बांटने में चली जाएंगे, कोई जीतो कोई हारो कोई किमे हो, लेकिन मैं मेरे शहर में जहा रहता हूँ ना अन्याय को नहीं होने दू। डिप्टी CM को शिकायत की है कभी इस तरह के मामले चल रहे हैं? मेरी बात होती रहती है लेकिन अफसर मानते तो कोई नहीं, अफसरों में कहीं ना कहीं खोट लगता है, अफसरों में निर्णय खोट है। मैं नुकान लाग रहा चंडीगढ़ तो इतने करोड़ों करोड़ रुपये भेजे कुकुराड़ा बयानी में नरे रुपये और सारे मरियोड़ा खाता में करोड़ों 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 करोड़ों, अरे जमाए शर्म को नहीं आई बयानी में तो। इस योजना गई ने पिछली योजना नगर परिषद की, ऐसा बुरा हाल मैंने नहीं देखा इतने साल से। सब राहगीर हो, कोई अफसर हो, इन सब मिलने आए हो? नहीं, हम तो ऐसे मतलब का हो गया। हाल क्या है भिवानी का? हाँ, यो तो बिल्कुल सरासर वो है, घोटाला है ये तो। ठीक कर रहे हैं फौजी साहब इस उम्र में रजाई छोड़ के आप लोगों के लिए आंदोलन? हमने तो कई बार देखे मान साहब को, हाँ ये तो मतलब जनता भलाई के लिए काम करते रहते हैं। जनता तो तारीफ करती है आपकी? जनता तारीफ नहीं, मैं जनता में रहता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं जनता में रहता हूँ 12 मास, मैं गरीब की सेवा करूं और जो जरूरतमंद के मैं मतलब जहां भी मेरे को बुलावा देवे जब वो वहीं पहुंच जाता हूं मैं। तो फिर जनता फिर अब की बार बुलावा 2024 में MLA की टिकट का तो ना दे देगी, कह दे चुनाव लड़ फिर मैं के डरू भी फेरे चुनाव भी लड़ लोगे? बड़े पाकेट बिल नो 7 बार मैं जीत लिया, सुनो नेताओं के खिलाफ लड़ लोगे? पाकेट बिल छोड़े ने 7 बार तो मैं पार्षद जिला पार्षद हो लिया और 2 बार मेरा घर वाली सरपंच और मेंबर रह ली, पटक दोगे चुनाव से डरू होगे मैं? चुनाव तो मंडरावे पाकेट बिल लेते हैं चुनाव में पटक दोगे? पटक कमाल करो आप ही, लड़ाई लड़ांगे पब्लिक साथ देगी तो ठीक से, नहीं तो लड़ाई लड़ांगे इसमें क्या है? और फिर गड़बड़ होने लगी तो आप भी MLA बन जाओगे? आप भी चुप होके बैठ जाओ? चुप है कुदा दू अफसरा ने? अच्छा। अगर तो सूत बैठ गया सर मजीद आपने गज की बात बताऊं, मेरा सूत बैठ गया, जनता ने मेरे को बैठा दिया सूते, मैं जब निकलूंगा ना भिवानी से खटखट कुर्सी पहुंच जाएंगे, उड़ा मान कैथड़ा लिया मान सारे लाइन में लाग जाएंगे, कदे नु सोचो ना आप। नेता चाहे तो हो सकता है ये अफसर या कोई भी, मैं कुदक कुदक पड़ेंगे रात ने नींद को नहीं आवा, कदे आज ये मान
ये चीजें आपने देखी है कई नेताओं की, बंसीलाल का, चौटाला का, सब बिल्कुल बंसीलाल से डरते थे, आरोपा का चौटाला से भी डरते थे, बिल्कुल बत्ती बोले। आजकल के नेताओं में भी कमी है, अभी आप देख लो ना, अफसर डरते को नहीं, रब न्याय को मतलब हमने दरखास्त दे ली भाई इसके सैंपल करवाओ, कोई सैंपल नहीं, देख लो मैंने सैंपल की दरखास्त दी अपना उसकी अस्पताल की, अस्पताल की 16/3/2023 को, और 16/3 उसी दिन एक्शन एससी साहब ने, एससी साहब ने दे दी एक्शन को भाई इसकी कराओ जांच। 4 महीने में सैंपल ठाए, कह ठाए 4/7/2023 को सैंपल लिए, और सैंपल भी कोई नहीं करवाए, उसमें टेस्ट में गया उसमें जहाँ पर रिसर्च जो लैब है अपनी मेम रोड पर है, वहाँ पर एसडीओ बैठता है एक, मैं बोला मैं ये अपने अफसर ने मेरे को लिख के दिया है कि ये बताओ मैंने 2023 में कोई हमारे पास आई है कोई नहीं, 2023 में कोई भी सैंपल नहीं आया। अच्छा। नागरिक अस्पताल चौधरी बंसीलाल के अस्पताल का तो आया है कोई नहीं, और भी कोई नहीं आया कोई, बीजेपियों का इशारा है सब कुछ विकास कर दिया, विकसित भारत यात्रा निकला भाई, ये तो कुआं तो 75 पार लाग जा कहने, और कुआं 400 पार लाग जा कहने, तो आप वाले भी साथ हो रहे हैं वो 90 फिर सुने साथ साने हम ही धोखा को नहीं देवा, ये धोखा दे सके हैं, दुष्यंत चौटाला धोखा को नहीं देवा, ये दे सके हैं, कमाल की बात है। मोदी और खट्टर तो गलत हैं और चौटाला साहब इनके साथ हैं वो सही है, मैं नुकुं दुष्यंत चौटाला जी मतलब इनके साथ हैं, उससे पहले मतलब चौटाला साहब देवीलाल के साथ भी, अजय चौटाला के साथ भी, और ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी ये रहे हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला भाई इनके साथ है ना, ऐसे ये भी तो रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला ने, देवीलाल ताऊ देवीलाल ने, अजय चौटाला ने कभी धोखा नहीं दिया, और ये इनके साथ में बंसीलाल के साथ भी रहे, ये बंसीलाल को भी धोखा देंगे, बंसीलाल को भी धोखा देंगे, बंसीलाल को भी धोखा देंगे, देवीलाल को भी, ओम प्रकाश चौटाला को भी, अगर दुष्यंत को भी ये धोखा देंगे ना, मार खाएंगे ये। एक बात बताओ, जो साथ में गठबंधन में चुनाव हो गया, मैं दुष्यंत का चुनाव हो गया तो वोट मांगोगे छतरी ठाकुर, दुष्यंत का अगर ये साथ रखेंगे तो फायदा है, नहीं तो इनमें 400 पार को नहीं हो है। हाँ तो फिर वोट ये छतरी ठाके मांगोगे दुष्यंत साथ रहा तो, खूब मांगे क्यों नहीं मांगेंगे, मांगेंगे कैसे नहीं मांगेंगे, मांगेंगे सही हो जाएगी, मैं बता रहा हमारा समझौता होगा तो क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं मांग सकते हम, मांगेंगे रे। अच्छा हाँ, ये रोल मारेंगे। तो फिलहाल ये धरना प्रदर्शन घरवाले नाराज नहीं होते कि सर्दी में क्यों निकल के जा रहे हो, बुढ़े हो रहे हो? मुझे पता है मेरे घरवाले, उनको पता है, अब कहीं भी होगा उड़े गद्दा रखा कर ले, छतरी रखा कर ले, ईब जाडा है पानी की भी जरूरत को नहीं, ठीक है ना, बाजरे रोटी खा के रात तल के बैठ गया। अच्छा। और ई भाई बाप आ गए और अखबार वाले भी आए, मैं तो पब्लिक सेवा जनता के लिए ना, मेरे को कोई नुकसान हो चाहे पार्टी वाले भी मेरे से नाराज हो, मैं इस बात का मेरे बसैन को नहीं हुआ है, रही वो डंगा लामा आ रहा है, और देखो टिकट ठाना आ जाए बिठाना रखे ताकि दे, शहरवासियों को भी बोलना चाहिए, अकेले मान के बोलने से कुछ नहीं होगा, शहरवासी तो बोलते को नहीं, एमपी यहाँ का, एमएलए यहाँ का 5 साल से करोड़ों करोड़ों रुपये खराब कर दिए, एमपी का और एमएलए का एक भी शब्द आया हो तो बता दो, अगर भाई कौन है रे खबरदार है, फर्जी वोट बनावे, फर्जी वार्ड बनावे, अरे जमाए तो नाश्ता दिया, फर्जी वार्ड, नेता बदल के आने चाहिए, नए नेता आने चाहिए जो बदलाव, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बढ़िया आदमी होना चाहिए, बढ़िया जनता के। अच्छा एक और बताऊं आपको, अभी लोकसभा का चुनाव होगा अप्रैल मई में, उसके बाद में 5 महीने के बाद में एमएलए का होगा, सर्वे करावे हैं, वे पहले सर्वे करवा विपुल देव ने क्या करना चाहिए, हाँ बोले ठीक है इलेक्शन दोनों इकट्ठे हो जा, इवनू कहे आर एस एस वाले और करो, अरे सर्वे करो तो बैणी अस्पताल का सर्वे करो, इसमें कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, मरीज आवा कहीं से, उस मरीज को रेफर ना किया जाए, यहीं दवाई दी जाए भिवानी के घंटा घर पाई, सारे हरियाणा में डॉक्टर की कमी, सारे हरियाणा में स्कूलों में मास्टर की कमी, सारे कर्मचारियों की कमी, और फौज में सिपाहियों की कमी, और अग्निवीर करें से फौज में अफसर की भी कमी से, और जवाना की कमी से, और अग्निवीर तैयार करे हैं, मतलब ये झोल तो बड़ा है, और मैं बात करूं ईश्वर मान को समझ आ गया, मतलब ये चीजें समझ, और के मुबारक सुन गई भी है, लेकिन आपकी उम्र तो निकल गई, और ये जनता है ना हर बार ठप्पा मार देती है पुराने विधायकों पे, पुराने नेताओं पे, नए लोगों को आने मारी जागी मारेगी कोई बात को नहीं,
आप ही तो पब्लिक में रहेंगे। रे पब्लिक कब होगी ने मान साहब आ जा ग्राउंड में, मान तैयार है और खकट्टा ठा दूंगा। और मेरे गले 36 जात के वोट पड़े रहे शर्मा जी, एक और बता दू आपने मैं 36 जात के बापोड़ा तिकड़ाने में बीरण में खरकड़ी बामनाली में जिला पार्षद में बनू, एक भी जाट को नहीं उड़े बापोड़ा तिकड़ाने में, तो बता दे खरकड़ी में भी जाट को नहीं। 36 जात चाहती है मेरे को, सेवादार हूँ ठीक है ना, जुमलेबाज को नहीं मैं, धोखा को नहीं दू ठीक है ना शर्मा जी। तो फिलहाल भाई देखा आपने जिस तरीके से इस मिट्टी को लेकर, इस कंक्रीट को लेकर मिलावट के लिए स्पेशली ये बुजुर्ग फौजी यहाँ पे बैठ गए हैं, और राजनीति में बड़ा नाम है, और इनकी गाड़ी के पीछे भी पहले लिख रखा था 9 बार तक के चुने गए थे और 10वीं बार की इनकी तैयारियां थी, जैसे बीजेपी 3री बार की कर रही है वैसे ही यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन के लिए स्पेशली यहाँ पे ये अपने कपड़े वपड़े लेके आ गए थे। सर्दी से इन्हें डर नहीं लगता, ना ही किसी नेता से किसी अधिकारी से डर लगता, ये अड़ जाते हैं उस बात के सामने चाहे अकेला इनको बैठना पड़े। फिर शहर वाले इनके साथ आते हैं, लोग इनके साथ में आते हैं, चुनाव के वक्त क्या माहौल रहता है वो तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन ये फौजी आज अड़ा हुआ है, तो इनके बारे में कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।